अच्छा क्या लगता है डुमराव नगर में ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था आपको? डुमराव नगर का अभी तक विकास ही नहीं हुआ है सचमुच। जो आदर्श नगर होना चाहिए वो आदर्श नगर बन ही नहीं पाया है। लूट खसोट काम बार लगा हुआ है ना, नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी फूटी अवस्था में हैं, लाइटें नहीं जल रही हैं, यहाँ तक कि स्क्वायर फीट पर लगे दाम को इतना बढ़ा दिया गया है गरीब गरीब लोगों का, दो चार बरस अगर न दे पैसा तो उसका घर नीलाम हो जाएगा, नगर पालिका ले लेगी, इतना टैक्स बढ़ा है, होल्डिंग टैक्स। जाम की समस्या डुमराव में काफ़ी, इसको लेकर के क्या आगे की सोचा? जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आए दिन जाम की समस्या लगी रहती है। जाम की समस्या के लिए पहली बार ये है कि हम लोगों का पुराना जो नगर पालिका है वो अब खाली हो चुका है, रेहड़ी और पटरी या गरीब गुरबा है ना जो भी हैं उनको उसी के अंदर शिफ्ट किया जाए, जगह दिया जाए, तब ना जाम की समस्या दूर होगी। जब उन लोगों को रोजी रोटी वहाँ पर मिलने लगेगा, जाम गोला रोड का जाम हट जाएगा और कुछ कुछ जाम भी लगेगा तो उसको प्रशासन की देख रेख में नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा समझा बुझा कर दूर किया जाएगा। अच्छा, यह नगर से जो कचरा उठता है उसको डंप करने का या फिर उसको पुनर्चक्रण करने का कोई यहाँ का स्थान नहीं है, नगर का कचरा नगर में ही रहता है, नगरवासी बहुत परेशान है इससे। अभी एक दो दिन पहले ही यहाँ पे कचरे में आग लगा दी गई थी, जो धुआं निकला उससे लोग बहुत परेशान थे, तो इसके लिए डंपिंग जोन के लिए क्या कुछ व्यवस्था या कोई उपाय ये करेंगे? डंपिंग जोन के लिए पैसा आया था लेकिन भ्रष्टाचार के चलते वो नहीं हो पाया। अच्छा, लोग सोच रहे हैं कि कम दाम में ज़मीन मिल जाए और हाई दाम में उसका पैसा ले लिया जाए, तो उचित मूल्य देकर नगर पालिका के द्वारा जो भी आया है राशि उससे ज़मीन खरीद कर इस जो कचरा का अंबार पड़ा हुआ है उसी डंपिंग जोन में ले जाया जाए और उसके लिए जो गीला और सूखा है उसको बनाकर अत्याधुनिक जो मशीनें आ रही हैं उसको लगाकर उसे नगर पालिका का दो पैसा भी प्रॉफिट में होगा और कचरा का अंबार भी कम रहेगा। अच्छा, अन्य जो प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं उनसे आप अपने आप को बेहतर कैसे मानते हैं? देखिए, अन्य जो प्रत्याशी हैं, आप शहर का सर्वे कर लीजिए, देखेंगे कि एक तरफ धन बल है, एक तरफ दारू बल है और उसमें हम जन बल के सहारे चल रहे हैं, यही है प्रत्याशियों में अंतर। एक तरफ जन बल मिल रहा है, दूसरे तरफ धन बल और दारू बल। आप व्यवसायिक आदमी और चुनाव मैदान में कैसे होते हैं? मैं व्यवसायी हूँ ये भी सत्य है, विरासत में मेरे फादर मेरे पिताजी वार्ड आयुक्त भी रह चुके हैं दो बार, तो उनसे कुछ प्रेरणा मिली कि गरीबों के लिए बहुत कुछ किए, गंज पर लाइट की व्यवस्था किए, जहाँ पर अपने आज भी लोग कहते थे कि हम लोगों की जिंदगी अत्यंत ही कठिन में रही है, जबकि हम लोग कितने वर्षों तक लाइट नहीं देखे थे, तो वहाँ पर पुल गाड़े हैं, गाड़ कर गरीबों का उत्थान भी किए हैं, किसी को सांप कटा उसको सहायता किए, किसी को जो भी आर्थिक सहायता हुआ शादी ब्याह सब में किए थे, तो एक तो हम लोगों का सहारा हुआ कि उन लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, तो इसी के चलते लोगों के आने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुआ, तो लोगों के कहने पर है ना, जैसे 500 लोग बैठे थे सभी जाति के लोग, उसमें निर्णय हुआ कि आप खड़ा हुई, मैं खड़ा नहीं हो रहा था, मैंने सोचा कि चलिए बात है। यह 8 महीने 9 महीने पहले जब स्टार्ट हुआ था कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, उसी दिन का बात है, तब हम खड़ा हुए कि चलिए फादर भी गरीबों के लिए कल्याण किए थे, हम भी कुछ करें। इसी के साथ हम एथी लेकर है ना, उद्देश्य लेकर खड़े होने। अच्छा, तो पिछड़ा वर्ग जो है आपको देख के ये मान सकता है कि उसको जो अधिकार नहीं मिले हैं या फिर उसको अगर न्याय नहीं मिला है तो वो सब मिलेगा आपके जीतने के बाद? पिछड़ा वर्ग में एक खुशी की लहर है कि आज उसका बेटा खड़ा है, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य हो रहे हैं। आपका नाम बताइए सर? श्याम जी प्रसाद। सर, डुमराव नगर परिषद की जनता के नाम अंतिम संदेश आपका क्या होगा? यही कि आप लोग यही कहेंगे कि गरीब डुमराव को बचाना है,
तो जितना आशीर्वाद इस बेटे पर दें और भरोसा करें कि बेटा आपका निदान करेगा।